हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस पार्ट वन का चैप्टर नंबर 9। जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर्स के लिंक डाल दिए हैं, तो आप जाके पुराने प्रीवियस 8 चैप्टर देख सकते हो, ठीक है। और अगर ये जो सीरीज़ बनाई जा रही है, ये SOL DU रेगुलर NCVAP के जो सेमेस्टर 1st, 2nd और 3rd के जितने भी स्टूडेंट है, अगर आपके पास AECC में ये सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस है, तो ये सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। इस सीरीज के बनाने के साथ साथ हमने नोट्स भी रेडी कर दिए हैं। अगर आपको एनवायरमेंटल साइंस पार्ट वन या पार्ट टू के नोट्स परचेज करने हैं, तो आप मिनिमम अमाउंट पे करके नोट्स को भी बाय कर सकते हो। नोट्स बाय करने के लिए नीचे स्क्रीन पर जो मेरा नंबर शो हो रहा है, आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो कि हमें नोट्स परचेज करने हैं और मिनिमम अमाउंट पे करके नोट्स को भी बाय कर सकते हो। तो जिनको नोट्स बाय करने हैं, वो जल्दी से जाके फटाफट से नोट्स को बाय कर लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 को। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है पोल्यूशन, वाटर, थर्मल एंड सोल पोल्यूशन, ठीक है। तो ये चैप्टर के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये पॉइंट्स हैं जो 9.3 है, वाटर पोल्यूशन, हम यहाँ से लेकर सारा रीड करने जा रहे हैं 9.5 तक। वाटर पोल्यूशन, फिर थर्मल पोल्यूशन, फिर सॉइल पोल्यूशन, हम ये बेसिकली इन्हीं टॉपिक्स को रीड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वाटर पोल्यूशन क्या है। वाटर पोल्यूशन ऐसा पोल्यूशन है जब पानी वगैरह वेस्ट हो जाता है और पानी के अंदर पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो पानी हमारी लाइफ के लिए हार्मफुल हो जाता है, तो वो वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन जो है, यहाँ पर लिखा है नियरली 50% ऑफ द मरीन पोल्यूशन कॉज्ड बाय सीवेज वेस्टेज डिस्चार्ज। कह रहा है कि 50% जो पानी है वो मरीन से डिसकम्पोज हो गया है, ख़राब हो गया है, जिसके कारण वाटर पोल्यूशन फैल रहा है। एनुअली 400 बिलियन टन इंडस्ट्री वेस्ट आर ग्लोबली प्रोड्यूस, बल्क ऑफ विच डिस्चार्ज अनट्रीटेड इनटू स्ट्रीम्स, रिवर्स, एसीज, ओशियंस एंड अदर वाटर बॉडीज। इन्होंने लिखा है कि बहुत सारे, मतलब कि 400 बिलियन टन्स का इंडस्ट्रियल हमेशा हर साल का एक वेस्टेज वेस्टेज करती है, और ये सारा वेस्टेज जो है 400 बिलियन टन्स का वेस्टेज हमेशा नदियों, समुद्रों और तालाबों में जाकर बहता है, जिसको हम यूज़ करते हैं पानी को। वही पानी जो है हमारी बॉडी में आता है बाद में प्योर होकर, उसी को हम अपना खाने वगैरह के साथ पीते हैं। तो ये हमारी लाइफ साइकिल के लिए बहुत ही बुरी बात है। आगे लिखा है द टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो बेसिकली काफ़ी सारे टाइप्स के वाटर पोल्यूशन होते हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट को लिखा है सरफेस वाटर पोल्यूशन। सरफेस वाटर पोल्यूशन एक ऐसा वाटर पोल्यूशन है जो ह्यूज मात्रा में, मतलब कि एक ज़्यादा क्वांटिटी में नदियों, तालाबों और रिवर्स में पाया जाता है। इस वाटर पोल्यूशन के अंदर यहाँ पर ऑयल स्लिक्स हो सकती है, ऑयल टैंकर्स हो सकते हैं, तेल के, पानी के ट्रक वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ एक लार्ज नंबर में पानी गंदगी वाला होता है। दूसरा पोल्यूशन आता है जिसमें लिखा है ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन का एक सरफेस जो होता है वो वाटर से नहीं बल्कि पोल्यूटेंट से भरा होता है। ये जो होता है वाटर, ये ग्राउंड के रॉक वगैरह से आता है, जो कि एक्वेरीफायर। देखो, एक होता है प्रीक्वेरीफायर जहाँ पर पानी साफ आता है, दूसरा चीज़ है यहाँ पर लिखा है जो एक्वीफायर। एक्वीफर्स नहीं होता, ये वाटर जो है एक तरह से बिल्कुल वेस्ट वाटर होता है, पीने लायक भी नहीं होता। उसके बाद लिखा है ये जो वाटर होता है ये अंडरग्राउंड से डायरेक्ट आता है, रिवर वगैरह, स्टीम वगैरह से नरिश्ड होता हुआ हमारे सप्लाई वाले पीने वाली टूटियों तक ये पहुंचता था। बट ये जो फर्टिलाइजेशन वगैरह जो करी गई है, जो इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह हो जाती है, इसकी वजह से ये अब ना पीने वाला पानी बन जाता है। उसके बाद आता है पॉइंट सोर्स, उसके बाद आएगा नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स क्या है और नॉन पॉइंट सोर्स क्या है? पॉइंट सोर्स के अंदर जैसे कि आपका कोई भी ऑयल स्पिलेज हो सकता है, प्लांट पाइप हो सकते हैं, टैंकर्स, स्मोक स्टैक, डिस्चार्ज एटसेट्रा, इन सब की चीज़ों से जब कोई भी पानी का सोर्स पूरा का पूरा पोल्यूटेंट हो जाता है, उसको पॉइंट सोर्स बोलते हैं। नॉन पॉइंट सोर्स जो होता है वो वाटर पोल्यूशन जब होता है जब कोई भी स्प्रिंकल्ड सोर्स या फिर कोई भी ऐसा वैरायटी, कोई भी ऐसी अनवाटरली, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नहीं होनी चाहिए उस पानी के टाइम पर, तो वो चीज़ें अगर हो जाती हैं तो वहाँ पर नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है
बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के ऊपर यहाँ पर आपको बताया गया है तीन टाइप। ये केमिकल कंपोजिशन के टाइप होते हैं, जैसे कि समटाइम द पोल्यूशन में एंटर द एनवायरनमेंट, और उसके बाद आता है हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में क्या फ़र्क है, क्योंकि देखो अगर सॉफ्ट वाटर है तो वो डिजॉल्व्ड नहीं होगा साल्ट मैग्नीशियम और कैल्शियम के अंदर, अगर वो सॉफ्ट वाटर है तो। अगर वो हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर होगा तो उसके अंदर ईजिली सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर के अंदर मिनरल कंटेंट होने की वजह से वो साल्ट डिसॉल्व हो जाएगा। अगर साल्ट घुल नहीं रहेगा, अच्छे से मिलेगा नहीं, तो वो सॉफ्ट वाटर है। आगे लिखा है उसके बाद, समटाइम द पॉल्यूशन में एंटर द एनवायरनमेंट वन प्लेस एंड एग्जॉर्ट टू द आउटकम्स हंड्रेड ऑफ द इवन थाउजेंड ऑफ द माइल्स अवे फ्रॉम द प्लेसेस, सच पोल्यूशन इज नोन एज ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन। कह रहा है कि काफ़ी बार जब पोल्यूशन होता है वो आउट बाउंड्री आउट कम हंड्रेड ऑफ द इवन थाउजेंड मील्स अवे, काफ़ी दूर दूर से जब पोल्यूशन आ जाता है किसी ऐसी जगह से जो कि अननोन होती है, तो वो पोल्यूशन ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन कहलाता है। फिर लिखा है सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, 33% ऑफ वाटर पोल्यूशन जो होता है वो डोमेस्टिक सोर्स के वजह से आता है। उसके बाद 29% जो होता है वो एग्रीकल्चर लीव स्टॉक से आता है, 27% इंडस्ट्री से आता है, और 11% अदर सोर्स से पोल्यूशन आता है। पानी के अंदर सोल्यूशन समझ गए, सबसे ज़्यादा घरेलू पोल्यूशन आता है जो कि 33% होता है। डोमेस्टिक पोल्यूशन जो होता है, यहाँ पर लिखा है डोमेस्टिक पोल्यूशन जो होता है हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ से आता है। रिमेनिंग 0.1% आर पोल्यूटेंट बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटीरियल्स होते हैं। हमारे जैसे कि कोई भी सब्जी वगैरह का वेस्ट है, एक्सक्रेटा है, या फिर कोई भी फ्लेशियल मैटर है, कोई भी इनऑर्गेनिक या फिर फॉस्फोरेट नाइट्रेट वगैरह वाली चीज़ें हैं, डिटर्जेंट है, साबुन है, तो इनसे अगर हम कोई भी चीज़ों को धोते हैं तो वो जो पानी है वो एक तरह से ड्रग्स की तरह हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पानी है ये सारा का सारा केमिकल सब्सटेंस से बना होता है, जैसे कि ड्रग्स हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, इसके साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम, सोप, डिटर्जेंट वगैरह से बना होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। फिर लिखा है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर आता है यहाँ पे अनडाउट एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड प्रिस्क्राइब्स कोलेक्टिवली कॉल्ड ऑर्गोकेमिकल इंक्रीज एग्रीकल्चर आउटपुट। दीज मोस्टली आर्टिफिशियल केमिकल मूव इन टू द वाटर बॉडीज अलॉन्ग द रेनफॉल एंड ग्राउंड वाटर बाय लीचिंग। कह रहे हैं कि जो ग्राउंड वाटर होता है, जब बारिश होती है तो बारिश से पानी ग्राउंड वाटर में जाता है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सीलन और काफ़ी कूड़ा करकट उस पानी के साथ ग्राउंड वाटर में जाता है, वही ग्राउंड वाटर बाद में हमारे नलों तक पहुँचता है एक रीजनरेशन प्रोसेस पूरी करके। ठीक है, उसके बाद लिखा है पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स होते हैं जो पेस्ट कैन बी इंसेक्ट, माइक्रोब्स, फंगी, स्नेल, स्लग्स, या फिर बोल सकते हो आप अपने वॉर्म्स हो गया, वीड्स हो गया, जो भी कूड़ा करकट है, स्लग है, स्नेल है, जो इंसेक्ट है, इन जानवरों के मरने के बाद जैसे कि कोई भी वाटर वगैरह है पानी में कुचल जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो पानी जो है वो डिसीज़ वाला हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी लीवर डैमेज हो सकता है, कोई भी क्रोनिक लीवर एम्पथी या फिर कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है, कोई भी सुपरमैन हो सकता है, कोई भी या फिर इफेक्ट या ब्रेस्ट कैंसर वगैरह भी हो जाते हैं, तो इसको पेस्टिसाइड्स कहते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑर्गन क्लोराइन कंपाउंड, ऑर्गन क्लोराइन कंपाउंड जो होते हैं ये कुछ हजार्ड होती हैं, और कुछ इनको तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली क्लासेस जिसका नाम है डीक्लोरोफिली लिंथेसिस, इसका नाम है DDT, और यहाँ पर इसमें काफ़ी सारी हाई मात्रा में सोल्यूबल फैट्स मौजूद होता है। दूसरा है साइकोलोडिनेस, इसके अंदर क्या होता है, टॉक्सिक पाया जाता है जो कि एक मेटाबोलिट्स प्रोडक्ट में पाया जाता है, और ये जो टॉक्सिक्स होते हैं ये हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। तीसरा आता है हेक्साक्लोरिक्स हैंस, उसके अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है जो कि हमारा BHC होता है, और BHC जो है वो बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है ऐसे ही काफ़ी सारे कंपाउंड्स के नाम। तो नेक्स्ट पॉइंट अब हम पढ़ रहे हैं जो कि है हमारा इम्पैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के इम्पैक्ट क्या होते हैं, ये हमारे ईट्रो
यहाँ पर लिखा है मैंने एट्रोफिकेशंस, ये पहला इफ़ेक्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमें यहाँ पर कोई भी चीज़ जब हम यूज़ करते हैं जिसके अंदर ग्लोबली 500 के आसपास हमारे इफ़ेक्टेड एरियाज से होकर पानी वगैरह आता है, तो हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रेट उस पानी के अंदर मिक्स होता है जो कि ऑर्गेनिक मैटर्स वगैरह के अंदर इंक्लूड होते हैं। और ये पूरा का पूरा पानी जो होता है हमारी ऑक्सीजन, हमारी रेगिंग, हमारी हाइपोक्सिक्स, हमारी एनोक्सिस कंडीशंस को हार्म करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प करने का मतलब, मैं जो हेल्प करना कह रहा हूँ इसका मतलब होता है कि वो उसको नुकसान पहुँचाता है उतना ज़्यादा। ठीक है, सेकंड आता है दूसरा हमारा यहाँ पर जिसका नाम है बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन में यहाँ पर लिखा है कि जितने भी सब्सटेंस पेस्टिसाइड्स में आते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था जो हमारे हार्म कैंसर वगैरह करने में हेल्प करता है, जो हमें कैंसर वगैरह कर देता है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आती हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे कुछ छोटा सा डिफरेंस दिया गया है जिसमें यहाँ पर कुछ फ्यू पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि पैथोगोन्स और कॉमन सिम्टम्स। ठीक है, अगर आपको किसी को भी अम्योबेसिस हो जाता है या फिर क्रिप्टोपोरिडेसिस हो जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ आपको वो सिम्टम्स बताए हैं कि आप इसको देख सकते हो क्या क्या सिम्टम्स उसके होते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है मेज़रमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन मेज़रमेंट करने के लिए BOD का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पोल्यूशन इन वाटर कैन यूजुअली बी मेजर्ड द एस्टिमेटिंग द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर। कह रहा है कि एक लोअर वैल्यू पे लेसर पोल्यूशन जो होता है, बायोडिग्रेडेबल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है, वो चेक करके बता देता है कि किस चीज़ में, वो इंडिकेट कर देता है किसकी ऑर्गेनिक स्ट्रेंथ जो है वेस्ट वाटर वगैरह से बनी है और कौन सा जो है हमारी बॉडी को डिकम्पोज नहीं कर सकता और कौन सा कर सकता है। और ये जो है बता देता है कि हमारा जो मैटर है इसमें कितना है, वाटर के अंदर कितने प्रतिशत, कितने डिग्री सेल्सियस वगैरह का बैक्टीरिया इसके अंदर मौजूद वगैरह है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमें कहती है कि वाटर जो है 6 mg पर 1 जो है देर आर द नॉट प्रिस्क्राइब लिमिट एट ए प्रेजेंट। अभी जो हमारा शरीर है 1971 में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक ऑर्गेनाइज करके एक डेटा बताया था कि हमारी बॉडी के लिए 6 mg जो है वो नॉट प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है किसी भी प्रेजेंट बॉडी के लिए। ठीक है, वाटर की। उसके बाद यहाँ पे लिखा है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD के बाद आता है CO2, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, जहाँ पर मोस्ट कॉमन मेथड होता है अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करने का, साथ ही साथ हमारी जो केमिकल ऑक्सीडेशन पोल्यूशन वगैरह है वो भी देख सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं, एक्सप्रेस करता है MG में। और जो टोटल मेजरमेंट होती है हमारी केमिकल में, हमारी जो वाटर के अंदर केमिकल्स वगैरह की मौजूदगी, ऑक्साइड वगैरह जो होते हैं, वो सारे इंडिकेट करने में मदद करता है, इंडिकेट करता है कि जो हायर वैल्यू ऑफ पोल्यूशन है उस वाटर का सैंपल वो क्या है। ठीक है, और भी बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ों को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अब नीचे यहाँ पर हमें स्टेप्स बताए गए हैं, स्टेप्स टू प्रिवेंट ऑफ कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पहले आप अवेयरनेस कर सकते हो। अवेयरनेस में मतलब कि काफ़ी सारे जो NGOs वगैरह हैं, कैंपेन वगैरह करवा सकते हो। ठीक है, जिसकी वजह से ओवर हार्वेस्टिंग वगैरह, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ वगैरह में जो पोल्यूटेंट वाटर बॉडीज आ रही है, तो वो ना हो। उसके दूसरा आ जाता है रेगुलेशंस के अंदर आप करवा सकते हो काफ़ी सारे रिजल्ट ट्रांस बाउंड्रीज, जो जगह जगह से कूड़ा करकट उड़ के आ जाता है, तो वो कूड़ा करकट नहीं आएगा। फिर आप मोस्ट रिवर्स जो होती हैं गंदगी में से भरी होती हैं, उनको साफ़ सफाई करा सकते हो, जिसकी वजह से आपकी अड़ोस पड़ोस की जो कंट्रियाँ हैं उनमें पानी की समस्या नहीं आएगी और वो पानी की समस्या ना आपके पास तक पहुँचेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है टेबल एक बनी हुई है, जिस टेबल के अंदर हमने मिनिस्टर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन हम देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं। देखो ये जो है ज़्यादा यूज़फुल नहीं है टेबल। नेक्स्ट पॉइंट हम रीड करने वाले हैं जो कि हमारा मेन पॉइंट है, गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान जो है वो काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है, वो क्या चीज़ है। तो रिवर गंगा इज़ सो इम्पोर्टेंट एंड क्लोजली एसोसिएट ऑफ इंडियन कल्चर एंड कल्टीवेशन। गंगा जो है बहुत ही बड़ी रिवर है और जो कि हमारे माँ भी मानी जाती है, हम इसकी पूजा भी करते हैं। और यहाँ पर ये जो रिवर है, रिवर ऑफ इंडिया भी कहा गया है इसको 2008 में, ये 9th लार्जेस्ट रिवर है, रिवर मानी जाती है वर्ल्ड की, और 2nd लार्जेस्ट गंगा जो है वो इंडिया की रिवर मानी जाती है,
जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये गंगोत्री से गंगा सागर तक चली जाती है, जो कि अभी 25-2% सोर्स ऑफ इंडिया में वाटर पॉपुलेशन का काम करती है। ये रिवर जो है वो मलकादनी, अलकनंदा, यमुना घाट, उसके बाद लिखा है गंडक, कोशी, तो इन सब जगहों से होकर गुजर रही है। 692 सिटीज़ और कुछ टाउन्स लोकेटेड हैं इसके आसपास की नियर बाय पॉपुलेशन में, जिसमें से 27 शहर ऐसे हैं जो कि इसका पानी यूज़ करते हैं और 1,00,000 से ज़्यादा लोगों की पॉपुलेशन है। मोर देन 600 किलोमीटर के पार्ट में ये फैली हुई है। कानपुर से पटना तक का जो पानी है वो हाईली पोल्यूटेड माना जाता है। हर दिन इस रिवर के अंदर 1300 लीटर का वेस्टेज फेंका जाता है। 250 मिलियन लीटर ऑफ केमिकल इन्फ्लुएंट इसके अंदर अभी मौजूद हैं। इस गंगा रिवर के अंदर कहा गया है कि इंडस्ट्रीज़ का 20% डोमेस्टिक और 80% म्युनिसिपल कचरों से भरी हुई है। ठीक है, तो गंगा के इन्फ्लेक्ट होने के आपको सारे रीजन पता चल गए होंगे। बाकी आप यमुना पोल्यूशन वगैरह का नीचे रीड कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है उसके बाद सरफेस जो है इसका बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे अनहैपनिंग पार्टिकल्स वगैरह इसमें पड़े रहते हैं। आगे लिखा है जो गंगा है, गंगा को साफ करने के लिए कम से कम एक बजट बनाया गया है कि 1,090,000 किलोग्राम टॉक्सिक जो है, 1,300,000 किलोग्राम डोमेस्टिक और म्युनिसिपल। ये जो 1,090,000 है ना, ये इतना टॉक्सिक जो है हर साल इसमें पड़ता है, जिसमें से 1,300,000 वगैरह जो डोमेस्टिक और म्युनिसिपल को मिलाकर आता है। उसके बाद ये यूपी जैसी सिटी में हमेशा डिस्चार्ज करती जाती है, वहाँ पर पानी का फ्लो बना रहता है। और ये फर्स्ट स्टेप गैप जो स्टार्टेड किया गया था 1985 में और 1995 में कंप्लीट हुआ था, कम से कम ये 1999 तक, कम से कम ये 10 साल तक 20,000 करोड़ तक रुपये खर्चा कर चुके हैं अपना इस गंगा रिवर को साफ करने के ऊपर। भाई गंगा रिवर साफ करने में ना 20,000 करोड़ तक का खर्चा हो चुका है अभी तक का। ठीक है, गैप जो प्लान है, एनजीओ है, इसने इसको साफ करने की जिम्मेवारी ली थी, बट गंगा अभी स्टिल 2014 तक क्लीनिंग मिशन पर चल रही है और गंगा रिवर प्लान अभी भी चलता ही रहता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी नदी है, इसमें सफाई वगैरह जितनी बार कर देते हैं तो कूड़ा करकट कहीं ना कहीं से आ जाता है। डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं, डैम्स की फॉर्मेशन के टाइम पर गंदी हो जाती है, बहुत सारे कारण है उसके भी। थर्मल पोल्यूशन क्या है? साउंड्स सोर्स ऑफ थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन जो एक तरह का वाटर पोल्यूशन कहलाया जाता है, और ये वाटर पोल्यूशन जो है वाटर बॉडीज़ को इफ़ेक्ट करता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो इंसान की बॉडी हो, सबको ये इफ़ेक्ट करता है। सोर्स ऑफ थर्मल पोल्यूशन जो है ये पावर प्लांट जो है, न्यूक्लियर जो है, लार्ज क्वान्टिटी में पाया जाता है, और ये प्लांट जो है अबाउट 70% हीट जो है, इसकी 70% हीट जो है वो वेस्टेज में जाती है, और यहाँ पर लिखा है ये कूलिंग वाटर बॉडी में काम आता है। 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बिकम डेंजरस होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए। आगे लिखा है इफ़ेक्ट ऑफ ऑन इक्वेटिक लाइफ। इक्वेटिक लाइफ मतलब कि होता है जो पानी में रहने वाले जीव वगैरह हैं उनकी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। देखो, जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो सारे फिशेस वगैरह जो होते हैं वो तो मर ही जाते हैं उसके पानी से ख़राब हो गए। सेल्स वगैरह जो होते हैं, जो सेल वाल एनिमल होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं उनके हॉट वाटर से। ठीक है, हॉट वाटर में भी एनिमीज मेटाबॉलिक एसिड एंड द एनिमल्स, ये जो एनिमल्स होते हैं उनके एसिडिक इफेक्ट को झेल नहीं पाते, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। यहाँ पर लिखा है कंट्रोल ऑफ थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के क्या कोई उपाय नहीं है? तो ये लिखा है इट इज़ वेरी हार्ड टू कंट्रोल थर्मल पोल्यूशन। इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि इसका एक्शन काफ़ी ज़्यादा लोगों ने करा था, बट ये जो है एक लोकेशन पर फिक्स नहीं है। इसको डिस्चार्ज करने के लिए बहुत सारे टाउन, बहुत सारे टावर, फाउंटेन्स वगैरह इससे चल रहे हैं, और इसके लिए ही ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है जो कि ईजिली कंट्रोल में नहीं हो सकता अभी फ़िलहाल। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन होता है जब हमारी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हवाओं की वजह से, या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंडीशंस की वजह से हमारी मिट्टी जो है वो ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से वो उपज नहीं कर पा रही है, वो आगे फिजिकल या केमिकल बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स को रिलीज़ नहीं कर पा रही है। सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन नीचे आपको बताया है कि सोर्स ऑफ पोल्यूशन में आता है प्लांट रेसिड्यूज़, एनिमल रेसिड्यूज़, प्लांट मतलब कि जो भी प्लांट वगैरह होते हैं जो मर जाते हैं, ऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक, तो ये कुछ गैसेस की वजह से आगे पनप नहीं पाते, जैसे कि CO, NO, HO, हाइड्रोजन, कार्बन। ठीक है, और इसी तरह से कुछ एनिमल्स जो हैं वो अपना यूरिन, ब्लड वगैरह की वजह से जो भी इनका वेस्टेज आता है पानी में, वो पानी पीकर मर जाते हैं।
आगे लिखा है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स के अंदर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज, तीन जगह का डोमेस्टिक आता है। डोमेस्टिक का सबसे ज़्यादा पार्ट आता है, 33% डोमेस्टिक जो है वो इफ़ेक्ट करती है वाटर पोल्यूशन में, एग्रीकल्चर फिर उसके कम करती है और इंडस्ट्रीज उससे थोड़ा ज़्यादा करती है। एग्रीकल्चर लगभग 9% वाटर बॉडीज़ को प्रेजेंट करती है और ये जो इंडस्ट्रीज है ये 29% वाटर बॉडीज़ प्रेजेंट करती है, जो कि पानी में डिटर्जेंट, केमिकल, सोडा और घरेलू कपड़े, डाई, पेंट वगैरह की वजह से पानी को खराब माना जाता है। तो इंडस्ट्रीज वगैरह का पानी जब पोल्यूटेंट पानी जब आता है नदियों वगैरह में, तो वो भी पूरी नदी जो है पूरी की पूरी खराब हो जाती है। इम्पैक्ट ऑफ सॉयल पोल्यूशन, सॉयल पोल्यूशन के इफेक्ट ये पड़ते हैं इम्पैक्ट कि इनको आप पी नहीं सकते हो, इनके प्लांट वगैरह नहीं उगा सकते, इनको आप ह्यूमन बॉडी में यूज़ नहीं कर सकते, कहीं खेती बाड़ी या एग्रीकल्चर में भी नहीं डाला सकता। इनके अंदर ना डिस्ट्रॉय सॉयल होता है और यहाँ पर फ्लोरा एंड फन्ना जैसे प्रॉपर्टीज़ जो है वो जन्म ले रही होती है, मीन्स पैदा होती है। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मेज़र ऑफ सॉयल पोल्यूशन, सॉयल पोल्यूशन को कैसे आप मेज़र कर सकते हो, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप पोल्यूशन कैरी आउट कर सकते हो, आप अपना लोअर एरीगेशंस को, एग्रीकल्चर्स को यूज़ करा सकते हो, ठीक है। कंट्रोल इसका फर्टिलाइज पोल्यूशन कर सकते हो, गारबेज कम से कम डालो, एसिड रेन होने की वजह से ये हो जाता है काफ़ी बार, और यहाँ पर रेडियो एक्टिव बेस्ड सॉलिड्स पोल्यूशन होता है जहाँ पर मृदा जो है, ज़मीन जो है पूरी ख़त्म हो जाती है अगर कोई भी हार्मफुल रेडिएशन वगैरह आती है तो। उसके बाद ये चैप्टर नंबर आपका 9th जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है पूरा। आई विश वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर किसी को भी हम नोट्स बाई करने हैं तो वो नोट्स परचेज़ कर सकता है, मिनिमम अमाउंट पे करके आप मेरे व्हाट्सअप पे मुझे नोट्स को बाई कर सकते हो। तो जिनको नोट्स परचेज़ करने हैं वो मुझे मैसेज कर देना, मेरे व्हाट्सअप नंबर नीचे स्क्रीन पर शो हो रहा है, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड बाय।